ऐसे कब तक चुप बैठोगे? कुछ तो बोलो, से समथिंग प्लीज। हाँ संजू, एक पेंसिल ही तो चाहिए, मार्केट में नहीं खरीद लेना। हाँ। मुझे वही पेंसिल चाहिए, समझे? अच्छा ठीक है, लेकिन पहले एक चीज सैंडविच तो खा ले। कब से तेरी मम्मी रख के गई है, ऐसे ही पड़े रहना तो सड़ जाएगा। मुझे नहीं खाना। वाह, तुझे नहीं खाना? अच्छा ठीक है, फिर तो मैं ही खा लेता हूँ, वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ए रख, बिल्कुल हाथ मत लगाना उसे, ये सब तेरे वजह से हुआ, समझा? ए मैंने कुछ नहीं किया। बैठकर बात कर। तभी संजू मुझे प्लीज कह देता ना, तो मैं पेंसिल वहीं रख देता। हाँ, और भगो मुझे। कूल, तुम लोग जाओ यहाँ से, और साथ में इस सैंडविच को भी ले जाना। संजू अभी खा भी लेना, नाटक मत कर, हैव इट फॉर मी, मेरे लिए खा ले प्लीज। जिस सैंडविच को इसने हाथ लगाया ना, वो मेरे लिए पॉइजन बन गया है। अच्छा चंदू, तेरे को जादू आता है? तूने जिस सैंडविच को हाथ लगाया तो वो पॉइजन हो गया? मेरे को भी सिखाना जादू। ए पापे, तुझे किसी ने बीच में टांग अड़ाने को कहा क्या? बात करता है ऋतु, हमें लगता है संजू को अकेला छोड़ देना चाहिए, ही फील मच बेटर। हाँ, पर अकेले रहने से डर तो नहीं लगेगा ना? मुझे डर नहीं लगेगा बाबा, अब तुम लोग जाओ प्लीज, जाओ। चलो यार, साथ में सैंडविच ले जाना। ओके बाय संजू। बाय संजू। वाह क्या नैया है, मुझे नैया देखे तुम्हारी मैया याद आ गई। हाँ, गांव में जब तुम याद है, what a beautiful scene. Boss. Oh, come on, sweetheart. चलो 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 नहाएगा, चल चल चलो। मिस्टर भिकारी, तुम सोच रहे हो कि हमने तुम्हारा अपहरण किया है? तो बॉस, हमने क्या इसका अपहरण नहीं किया? Shut up! हमने इसका अपहरण नहीं, हमने इसे किडनैप किया है। तो मैं क्या कह रहा था स्वीटी? अब बॉस, आप ये कह रहे थे कि आपने इसे किडनैप नहीं किया है। Yes, yes. मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हमने तुम्हें कहाँ पकड़ा है, तुम तो सिर्फ हमारी गिरफ्त में हो, लेकिन क्यों छोड़े तुम्हें? आज मेरा बर्थडे है। बर्थडे? हैप्पी बर्थडे। अब बाय द वे स्वीटी, मेरा बर्थडे कब है? 31 फरवरी। बहुत दूर है। मिस्टर भिकारी, हम तुम्हारा बर्थडे हमारा बर्थडे समझ के मनाएंगे, ओके? यस। ले जाओ इसे और भरपेट खाना खिलाओ। संडे में बैठने से पहले मैंने ट्रेन हॉस्टल से बिरयानी खाई है और कोल्ड ड्रिंक भी पिया है। बड़ा चलता पुर्जा भिखारी है, बहुत खाता भी है। बॉस, बॉस, क्वींस होटल की बिरयानी। क्यों मोटे, याद आ गई तुझे अपनी नानी? जहाँ खाने का जिक्र होता है इसकी राल टपकने लगती है। टॉमी कहीं का डराता क्यों है? बिरयानी। सुनो मिस्टर भिखारी, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें लिक्विड ऑक्सीजन चेंबर में डाल देंगे, जहां लिक्विड तुम्हें जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन तुम्हें मरने नहीं देगा। चंगू मंगो। यस बॉस। ले जाओ नंगू पंगू को और कुछ अच्छे कपड़े पहना के लाओ। टेक हिम अवे। यस बॉस। स्टॉप। चक चक। बॉस बिरयानी। मैं क्या बिरयानी के बच्चे। बाय द वे स्वीटी, तुम्हें मेरा बर्थडे कैसे याद है? क्योंकि बॉस, मेरा बर्थडे 30 फरवरी को होता है। सच? चलो चलो चले। कहाँ? दूर गगन की छाँव में। अरे बच गया। चलो चलो खेलना मोटे। पुरानी आदत तुम किसी से ठीक से बात करते हो ना, खेलते हो, व्हाट्स हैपेंड टू यू? क्या हुआ है तुम्हें संजू? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अबे अपन को लगता है कि इसको उसकी पेंसिल से बहुत प्यार है, ये? क्यों ना अपन उसको मदद करें? क्या बोलता है छोटे? अरे हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। पे पापे, तू अपने आइडियाज अपने पास ही रखो। अभी चलो यहाँ बैठे क्या हो, मनाते उसको। अबे मोटे, कंघी छोड़ो, चल कंघी और खाना।
ए संजू, डोंट वरी यार, अपुन लोग है ना तेरी पेंसिल को ढूंढने के लिए। ढूंढने गए ना? हाँ, मैं ढूंढूंगा। तू मगर हम लोग संजू की पेंसिल कैसे ढूंढेंगे? किसी की मदद लेकर। जग्गू किसकी? अरे मेरी और किसकी, मेरी मदद के बिना तुम लोग थोड़ी पेंसिल ढूंढ सकते। मुझे किसी के मदद की जरूरत नहीं है संजू, मेरी भी नहीं। तुम्हारी चलेगी और हमारी, तुम लोगों की भी चलेगी। ओ कमाल यार, हम लोग जो कुछ भी करेंगे मिलकर करेंगे। अबे फिलहाल तो ये सोचो कि किसकी मदद ली जाए। वो कौन है जो हमारी मदद करेगा? पुलिस। हाँ पुलिस। खा ले मेरे बाप, खाना कितना न्यूट्रिशियस खाना है, कैलोरी कॉन्शियस है क्या? अरे नहीं भाई, अरे भिखारी भाई खाना खा लीजिए, बड़ी किस्मत वालों को ऐसा खाना मिलता है, खाइए वरना गोली खाएंगे। अरे उसके लिए भी जगह नहीं यार। शट अप। ये हमारे खास मेहमान हैं, इनके साथ जरा तमीज से पेश आओ। मिस्टर भिखारी, आज तुम्हें यहाँ पर भरपेट खाना पड़ेगा। अरे मैं खाना नहीं खा सकता हूँ, एक बार कह दिया ना, मैं भरपेट खाना खा चुका हूँ। मेरे ख्याल से अब इसे गोली खिलानी पड़ेगी। बॉस आप ये क्या कर रहे हैं? स्मार्ट गर्ल। थैंक यू बॉस। भिखारी जी, अगर आज आप यहाँ पर भरपेट खाना खाएंगे तो हम आपको हीरे जवाहरात सोना चांदी से माला माल कर देंगे। लेकिन बॉस, हमारे पास तो इसमें से कुछ भी नहीं। सिली गर्ल, काम करो मिस्टर भिखारी, आप हमारा ये बटवा रख लीजिए। बॉस 31 जुलाई को रिटर्न फाइल करनी है, कम से कम 2 महीने की तो पगार दे दो। कल तुम हमारी काली घाटी वाले ऑफिस पे चले आना, वहां पर तुम्हें चेक मिल जाएगा टीडीएस काट के और बोनस भी। बोनस के साथ इनाम भी देना होगा। टाइगर मिस्टर पिस्टल, ओ फ्री स्टाइल नहीं क्रिस्टल। एनीवे, यहां पर अचानक कैसे आना हुआ? मैं अचानक इसलिए आया हूं कि वो जादुई पेंसिल यही कहीं तुम्हारे गुफा में छुपा हुआ है। ये तुम कैसे कह सकते? ये मैं नहीं, महातांत्रिक कालीचरण, उन्होंने अपने जादुई शक्ति से जाना है। मुझे तो नजर नहीं आ रहा। बॉस मुझे लगता है अब आपको दूसरे टाइप का चश्मा लगवाना पड़ेगा। इधर आओ, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरे साइड में आओ। सही कह रहे हो तुम, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कुछ सुनाई नहीं दिया? अपना कान नीचे करो। ओके पिस्टल। बॉस, अगर आपका कान इसके मुंह तक नहीं जा सकता है तो इसका मुंह आपके कान तक आ सकता है ना? स्वीटी, इसे लिफ्ट करा दो। मैं? ओके, ये लो। आप पिस्टल। टाइगर, सीरियसली सुनो, वो जादुई पेंसिल इन्हीं तुम्हारे चमचों में से किसी के पास है, तलाशी तो मिल जाएगी। तभी मैं सोच रहा था कि चंगू मंगू अचानक अपनी 2 महीने की तनख्वाह क्यों मांग रहे थे, वो भी टीडीएस काट के। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।